दोस्तों नमस्कार, SMKC चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज 5% की इसने ना गिरावट दिखाई है, पर ये आप अगर बात नोट करके चलो तो यहाँ पर है ना आपको ट्रेडिंग देखने मिली थी। यानी इसका मतलब क्या, बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव थे, पर सेलर्स का कुछ है ना प्रेशर ज़्यादा ही था मार्केट में, इसीलिए अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पर मार्केट में इस जगह पर देखने को मिली। ठीक है, तो फिर ये इधर से गिरता ही चला गया और यहाँ पर बीच में एक अच्छा मूव आया था, लेकिन फिर बाद में इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखी। तो इसके अंदर हम 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख ले तो 5 दिन में हमें 15% की गिरावट दिख रही है। अगर ये इस साइड पर आता ना, इस साइड पर यहाँ पर ये नहीं होता ना, तो फिर हम कह सकते थे कि यस हमें अभी मतलब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। पर मुझे तो लगता है ना कि ये अभी फ्राइडे तक भी है ना, इसके अंदर ऐसी ट्रेडिंग होते होते ये नीचे ही जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसके अंदर पोजीशन बनानी है तो आप और थोड़ा वेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा और रिस्क लेना है तो आप फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए एक महीना और नहीं एक आध हफ्ता और वेट कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ी गिरावट आनी अभी और बाकी है। इसके जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हमें बताए जा रहे हैं, ये 12 रुपये तक जाने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो 12 रुपये तक ये आराम से जा सकता है, फिर बाद में इसके अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट आएगा। अब देखिए 12 रुपये जो है ना, ये एक बहुत ही डीप टारगेट है, तो हमें इसे लेके नहीं चलना है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कहूँ ना कि इसका फर्स्ट टारगेट तो हो सकता है 13 रुपये। ठीक है, 13 रुपये इसका एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट जोन है। उसके नीचे जाता है तब जाके हमें कुछ घबराने की बात है, क्योंकि देखिए इसने ना एक बहुत ही अच्छे मैसिव रिटर्न्स दे दिए इतने टाइम में, तो ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है ना। अभी आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे गिर रहा है ना थोड़ा थोड़ा करके, फिर कंसोलिडेट करके थोड़ा गिर रहा है यहाँ नीचे करके, तो कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऊपर आए अपवर्ड मूवमेंट आई है, स्टॉक मार्केट में ऐसा ही चलता है ग्राफ। कोई भी पैटर्न स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि पैटर्न ऐसे ही चलते हैं। तो ये अभी इसके अंदर है ना ये वाला फेस चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये वाला जो मैं आपको बता दूँ, ये वाला फेस चल रहा है और ये जो नीचे गिरता है ना स्टॉक, वो वाला फेस चल रहा है। यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगर इसके अंदर कुछ न्यू न्यूज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा। पर हम यहाँ पर एक बार मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर देख लेते हैं कि इसके अंदर आज का वॉल्यूम क्या था, क्योंकि वॉल्यूम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डिसीजन में और हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो आपको ज़रूर एक बार है ना यहाँ पर आके ना वॉल्यूम चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम से आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि हाँ कितने लोग इसके अंदर एक्टिव है, क्या है स्टॉक में जाना सेफ भी है या नहीं। कई कई स्टॉक्स में ना कोई एक्टिव रहता ही नहीं है, तो आपके शेयर्स ना तो बाय होंगे ना तो सेल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 करोड़ का वॉल्यूम। देखिए 4 करोड़ का वॉल्यूम इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो ये लेकिन ये जो इसके पहले के अमाउंट है ना उससे कम ही वॉल्यूम था। देखिए पहले 6 करोड़, फिर बाद में 6 करोड़, फिर कम होके 5 करोड़, अभी कम होके 4 करोड़। तो ऐसा कर करके अगर ये कम होके 1 करोड़ तक आ जाता है ना, और अगर ये लाखों में चले जाता है ना, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये अभी इसके अंदर अपर मूवमेंट आना चालू होने वाला है। बिकॉज सेलर्स एक टाइम तक लाखों में आके हावी हो जाते हैं एंड देन फिर बुल रन चालू हो जाता है। तो जब तक ये CR में अमाउंट है तब तक तो हमें कुछ अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए मार्केट तो हमारा नहीं है, हम बस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब मार्केट में कल क्या होता है वो तो मार्केट ही जाने, और रात को अगर कोई न्यू न्यूज आ गई तो फिर मार्केट में कुछ भी धमाका हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से एक न्यू न्यूज़ आई थी 29 जून को, जो मैंने कवर की थी के पावर प्रोजेक्ट को डेट को कम कर रहे हैं। तो फिर ये बहुत ही अच्छी अच्छी खबर है ला रहा है। देखिए 1 जून को भी एक खबर आई थी कि दिस ईयर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डबल हो गया है, तो क्या आपको बाय करना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस भी हमारे सामने आ रहे हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देखिए सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको इस स्टॉक में आना है कि नहीं आना है। देखिए रिस्क तो हर एक स्टॉक में, पर इसने जो पास्ट ईयर में परफॉर्मेंस दिखाया है ना उसके अंदर इसके पास डेट नहीं था, ठीक है। और अभी पिछले वीडियो में मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मुझे करेक्ट किया कि इसके अंदर जो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो अपना प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो गई है वो आगे जाके इंक्रीज़ होने वाली है। तो अगर आगे जाके प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज़ हो जाती है, यहाँ पर देखिए आप, अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज़ हो जाती है तब जाके हम कुछ कह सकते हैं कि यस हमारा इसमें प्रोग्रेस हो रहा है और हम इसमें एंट्री लेने की सोच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।